नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। अब 10 मिनट में पता चलेगा कोविड 19 पॉजिटिव होने नहीं होने की बात। कोविड 19 के माहौल में किसी भी शख्स को कोविड 19 की चपेट में आए थे या नहीं, इसको लेकर सरकार जांच करने जा रही है। इसके लिए बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड IGM एंटीबॉडी कॉम्बो पूरा पैकेज भी खरीद लिया गया है। एंटीबॉडी कोविड 19 में बढ़कर अब महज 10 मिनट में पता चल जाएगा। इसके साथ ही किसी भी शख्स को कोविड 19 हुआ था या नहीं, यह भी साफ हो जाएगा। यह किट बताएगी कि 5 से 45 मिनट के बीच व्यक्ति कोविड 19 से संक्रमित हुआ था या नहीं, अगर संक्रमित हुआ तो एंटीबॉडी विकसित हुई या नहीं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बहुत बड़ी आबादी कोविड 19 जांच नहीं करवा रही है। इसे हाल में बहुत से लोगों में पता चला ही नहीं है कि कोविड 19 पॉजिटिव हो गए हैं, मगर वो ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे लोगों को आगे कोई दिक्कत होती है तो कोविड 19 हिस्ट्री की जानकारी नहीं होने पर डॉक्टर को उनके इलाज में दिक्कत हो सकती है। पटना में मकान मालिकों को अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस। पटना में घर का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने इसको लेकर नियम बना दिया है। नगर निगम क्षेत्र में अब गैर आवासीय उपयोग करने वाले हर मकान मालिक और ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। आयोजित की गई इस बैठक में ट्रेड लाइसेंस की मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद छोटे और बड़े व्यापारियों को ही केवल ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना होगा, बल्कि कोचिंग, हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल चलाने वाले लोगों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लाइसेंस को लेकर जो रेट तय किया गया है उसके मुताबिक 300 रुपये 100 स्क्वायर फुट से कम का परिसर, 100 से 500 स्क्वायर फुट का 500, 500 से 1000 स्क्वायर फुट का 1500 रुपये, 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा पर 2500 रुपये देने होंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद केंद्र की मोदी सरकार लगातार बिहार को सौगात दे रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर से 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ साथ राज्य के 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि 9 राजमार्ग परियोजना की लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए है। मोदी ने हाल ही के दिनों में बिहार में कई विकासशील योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। यह परियोजनाएं हैं रेल अधोसंरचना, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव संभावित है, इसको लेकर सारी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में अब 10% जमीन कमजोर वर्ग के लिए हुए रिजर्व। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में 10% जमीन रिजर्व कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के जमीन को अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार ने कमजोर तबके के लोगों और खासकर महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। इसके लिए आरक्षित भूखंडों का आकार अधिकतम 0.25 एकड़ होने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने कोविड 19 के माहौल में उद्योग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में किया गया है। पहले इसे कोविड 19 अध्याय को जोड़ा जाता था। एक साल में निवेश करने वालों को अतिरिक्त सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। कालाबाजारी और धांधली रोकने की कवायद बिहार में हुई शुरू। बिहार में खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के दौरान होने वाली कालाबाजारी और धांधली को रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग में लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसधारियों के स्तर पर खाद और बीज बेचने में हो रही गड़बड़ी की शिकायत को दूर करने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। लाइसेंस देने या आवेदन रद्द करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। 15 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। राज्य स्तर पर यह व्यवस्था जनवरी से शुरू हो गई है और अब जिलों में भी इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को साथ साथ जिला कृषि पदाधिकारियों को भी दे दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह और शेखर बसु की। अभिमन्यु सिंह का जन्म बिहार के सारण जिले में आज ही के दिन 1975 में हुआ था। पेशे से अभिमन्यु सिंह एक अभिनेता, टेलीविजन प्रोड्यूसर है। उन्होंने बॉलीवुड से ज्यादा तेलुगु फिल्म में अभिनय को दर्शाया है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट स्टीफन नई दिल्ली से की थी। वहीं अगर हम बात शेखर बसु की करें तो शेखर बसु का जन्म 20 सितंबर 1952 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। पेशे से शेखर बसु एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कॉम्बिनेशन एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला है। इसके साथ ही उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 23 अक्टूबर 2015 से 17 सितंबर 2018 तक संभाला है। उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में बनेगा डेडिकेटेड नियंत्रण कक्ष। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार के स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और अवेयरनेस जनरेशन
पर प्रमुखता से काम कर रही है। बिहार का रिकवरी दर 91.60% बताया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक है। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 5,60,737 योजनाओं के अंतर्गत 15,56,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 1,52,956 लोग कोविड-19 संक्रमण को मात दे चुके हैं। मतदान केंद्र पर कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए चुनाव आयोग ने बनाई रणनीति। आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर चुनाव आयोग ने नई रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत प्रत्येक बूथ पर 500 ग्राम सैनिटाइजर मतदाताओं के लिए रखा जाएगा। राज्य के 1,06,527 बूथ के लिए 11.41 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर का ऑर्डर बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया गया है। इसके अलावा चुनाव कार्य में लगे मतदान कर्मी और सुरक्षा बलों के लिए प्रति व्यक्ति 100 मिलीग्राम सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए BMSCIL को 90,000 लीटर सैनिटाइजर का अतिरिक्त ऑर्डर दे दिया गया है। विधानसभा चुनाव के आयोजन के दौरान मतदान कर्मी, मतदाताओं और सुरक्षा बलों को संक्रमण से बचाने की व्यापक तैयारी की गई है। सोनू सूद की पहल पर बिहार की छात्रा को मिली नई जिंदगी। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों और आम लोगों की मदद कर रियल हीरो की पहचान बनाने वाले बॉलीवुड स्टार सोनू सूद बिहार के आरा में एक छात्रा के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोनू सूद की पहल पर छात्रा का ऋषिकेश स्थित एम्स में ऑपरेशन किया गया था। छात्रा की बहन के एक ट्वीट पर जारी किए गए बयान के बाद सोनू की टीम ने घंटों में ऑपरेशन की सारी व्यवस्था कर दी थी, जिसके बाद 11 सितंबर को छात्रा का सफल ऑपरेशन करवा दिया गया। इसे छात्रा को पेट दर्द से छुटकारा तो मिला ही, एक नई जिंदगी भी मिल गई। अब छात्रा और उसका परिवार सोनू सूद की टीम का धन्यवाद दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया चैलेंज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव की तारीख का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही चुनाव अखाड़े में उतरने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। बिहार सरकार अपने कामों को गिना रही है तो तेजस्वी यादव बिहार सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। रविवार को भी तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दे दिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं कि वो बिहार के एक ऐसे थाना एवं ब्लॉक का नाम दे जहां बिना सोसाइटी चढ़ावे के आम जनता कोई काम होता है। कोई शक हो अथवा यकीन ना हो तो भेस बदल कर मेरे साथ चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए क्या स्वीकार है। 13 साल के बाद सहरसा फारबिसगंज के लिए फिर से दौड़ेगी ट्रेन। पूर्व मध्य रेल सहरसा फारबिसगंज के बीच रेल सेवा की शुरुआत होने वाली है। साल 2021 चालू वित्त वर्ष के अंदर ही इस रेलखंड पर रेल परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेल निर्माण विभाग की देखरेख में राघोपुर फारबिसगंज के बीच रेल निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। सहरसा से फारबिसगंज की दूरी 1,111 किलोमीटर बताई गई है। इसके साथ ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान भी लगाया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के होने के कारण सहरसा फारबिसगंज रेलखंड बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें, फारबिसगंज से नेपाल जाने में जोगबनी होकर मुश्किल से आधा घंटा का रास्ता है। नेपाल के कई हिस्सों में कोसी इलाके का रोटी बेटी का भी संबंध कायम है। हालांकि 2007 से यहां पर रेल सेवा पूरी तरीके से बंद है। HD देवेगौड़ा को पार्टी GDS उतरेगी चुनावी मैदान में। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक दल के अलावा अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। चुनाव के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री ने जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवेगौड़ा बिहार दौरे पर आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटी हुई है। वहीं कर्नाटक चुनाव ने अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है, जिसके तहत पार्टी गया में आगामी चुनाव में GDS की भूमिका निभाने वाली है। प्रेस वार्ता कर चुकी प्रेस वार्ता में इस प्रदेश प्रवक्ता गोपाल सिंह ने कहा था कि हम दूसरा और तीसरा विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस चुनाव में समग्र विकल्प देगी। पहली बार एक साथ पोस्टर में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम का समय बचा है, फिर भी एक साल से सभी पार्टियां पोस्टर के जरिए राजनीति करने में व्यस्त है। जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस ने नए स्लोगन के साथ पोस्टर को जारी करते रहती है। हालांकि यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर साथ में साझा की गई है। जारी किए गए पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई बातों को लिखा गया है, जिसमें मोदी ने कहा है कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। साथ ही भाजपा की तरफ से नारा दिया गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। जीत के बावजूद खुश नहीं दिखाई दिए धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बीते दिन इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि उन्होंने जीत के बावजूद कुछ चीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उनकी टीम को अभी कुछ विभागों में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। धोनी ने चेन्नई को अपने चीर प्रतिद्वंदी और पिछले साल के चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज कराने के बाद कहा कि काफी सकारात्मक पक्ष है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग है जिन पर काम करने की जरूरत है। विशेष
टाइमिंग को लेकर बाद में खेलते हुए ओस पड़ने पर थोड़ा मूवमेंट रहता है, ऐसे में अगर आपके पास विकेट बचे हैं तो आप फायदे में रहते हैं। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 9 विकेट पर 162 रन बनाए थे। चेन्नई के मैन ऑफ द मैच अंबाइती रायडू को और फॉफ डुप्लेसिस के नाबाद 58 रन की मदद से 19.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन हासिल कर जीत दर्ज की। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 54 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 92,605 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की संख्या 54,619 पर पहुंच गई है। वहीं इस दौरान देश में 1,133 कोविड-19 प्रभावितों की जान चली गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 43,03,043 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 86,752 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी दर की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के साथ 79.67% पर पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 7.67% है। इतना ही नहीं, देश में पहली बार एक दिन में 12 लाख से ज्यादा जाँच करवाए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को दी जा रही सौगात सफल साबित होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।